अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आपकी दुआ से। मैं भी ठीक हूँ, इधर मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। हाय रब्बा, मैंने ना रात को टांगों में बड़ी शदीद दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह थोड़ी सी आई, फिर उठ गई बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो बच्चे स्कूल गए, इधर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। इधर मैंने नाश्ते के लिए लंच के लिए रखा है अंडा उबाल करने, इधर मैंने आटा गूंथ के रखा है, तो इधर मैंने अंडा रखा हुआ है करने के लिए। अभी को लंच भेजूंगी, इसको बारीक बारीक कद्दूकश करके ना, तो इसमें मोइनीस डाल के, काली मिर्चें डाल के, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ी काली मिर्च डाल के, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके डबल रोटी के ऊपर लगाऊंगी। तो बस मम्मी के लिए रात की खमीरी रोटी पड़ी है, वो चाय के साथ, वो कह रही मैंने वो खानी है। तो अपना नाश्ता भी देखे क्या करते हैं, जो मिलेगा वो कर लेंगे चुप करके, तो अभी तो फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा। अभी मैं वीडियो देख रही थी रजब भट्ट की, तो मैंने देखी कि उनके घर पे फायरिंग हुई है, तो बड़ी बुरी बात है। देखे वो भी यूट्यूबर है, अपनी मेहनत से कमाई जो भी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, सारा दिन ब्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। हम खुद किसी टाइम हम से भी नहीं बनता इतना, जिस तरह भी हम बनाते हैं, घर की रूटीन डालते हैं जिस तरह भी है, तो बस जिस तरह हम बनाते हैं हमें पता है, सारा दिन टाइम निकाल के किसी टाइम नहीं भी बनती। कल हमारी नहीं इतनी बनी थी कि हमारी तबीयत नहीं सही थी, फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बनाई। तो वो भी देखे अपनी मेहनत कर रहा है, तो ये बुरी बात है कि उसके घर में ना फायरिंग की इन्होंने, खुदा ना खास्ता कि उनकी वालदा को लग जाती, उनके वाले साहब को लग जाती, तो कितनी बुरी बात थी। जिन्होंने भी किया अल्लाह उनको हदायत दे, कि उसकी माँ तो डर गई थी, उसकी माँ ने तो कह दिया था तुम ब्लॉग छोड़ दो, तो बस वो लोगों की मदद भी तो इतनी कर रहा है, टिकटॉक से जितना कमाता है तो वो दिखाई देता है कि वो कहाँ पे खर्च कर रहा है, कहाँ जाती है, तो सारा आवाम को नज़र आता है। बस पता नहीं क्यों लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है क्योंकि मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसका ब्लॉग रोज़ देखती, कोई नागा नहीं किया होता मैंने उसके ब्लॉग के लिए, रोज़ देखती हूँ। तो इधर अम्मी गई अभी दूध लेने, आई नहीं अभी, तो जैसे ही आती हैं फिर उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो चले बस अल्लाह उनको हदायत दे, इतना कह सकते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे जो ऐसे काम करता है। तो बस चले जी, मैं नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे इसका लंच तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं अंडे के साथ क्या करती हूँ। चलिए, इधर मैंने अंडा उबाला, इसको मैं छुरी के साथ सारा मैश कर दूँगी, यानी कि बारीक बारीक करके ना, ये मोइनीस लेके आई हुई है, इसमें डालूँगी, फिर अंडा मैश करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे और भी थोड़ा सा बारीक करती हूँ। तो इधर मैंने रखा है चाय पकने के लिए, अम्मी की चाय पक रही है, इधर दूध, नाश्ता देने लगी इनको बना के, साथ ही लंच भी तैयार करूँगी अभी का। इसको भी ऐसे ऐसे ना सारा मैश करती हूँ, मेरे पास कद्दूकश नहीं है ना, लाऊँगी ना, बाजार गई ना छोटा वाला लाऊँगी, था पहले यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे रख दिया अम्मी ने, उनकी रखी हुई चीज़ ना बड़ी मुश्किल से मिलती है हमें। अगर मैं ये करती हूँ फिर दिखाती हूँ, इसमें मोइनीस डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मोइनीस डाली, थोड़ी सी इसमें डालूँगी कुटी मिर्च हल्की सी टेस्ट के लिए, और काली मिर्च और नमक, मैं सबको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके फिर डबल रोटी पे लगाऊंगी, मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, दो पीसों पे लग जाएगी आराम से, अली का लंच बन गया, एक अंडे से दो डबल रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। इसको भी जब लंच भेजती हूँ ना, फिर उसमें बना के दूँगी, दाल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। भी उठ गई नाश्ता बनाने के लिए लीजा का लंच, तो इधर मैंने ये डबल रोटी भी ले आई हूँ। कई लोग तो इसके किनारे काटते हैं, तो मैं ना बगैर किनारों की ऐसे लगा के भेजूँगी इसको, वो फिर किनारे ज़ाया होते हैं। ये लगाती हूँ, ये लीजा का अंडा है, अभी ये लगाती हूँ, थोड़ा सेक दिला दूँ इनको, क्योंकि परसों की डबल रोटी है ना, ला के रख देते हैं, अब लगा के तो फिर इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने ये डबल रोटी पे लगा दी है सारा, इसी तरह ये ना अभी भी मोटे मोटे हैं, वो कद्दूकश के साथ ना सही तरह होता है, तो ये लगा के दूसरा पीस रखूँगी इसका, इसको इधर छुरी से ऐसे कट काट के तो फिर इसके टिफ़िन में रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, आपके दुआओं से हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग होता है स्टार्ट यहीं से,
तो अभी सुबह का आगाज़ हो गया है, अब तो दोपहर भी हो गई है, और अभी तो दोपहर भी हो गई है, दोपहर का आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी हम उठे थे, उठ के खाना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद घर का काम किया, फ्रेश हुए, तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। उधर रखी है चूल्हे पे हल्की सी आँच आ रही है, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। और इधर पड़ा हुआ है ये तकरीबन ये दूध, चाय बना के ना फिर दूध उबाइल कर लेंगे, उसके बाद फिर ये देखे ना मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, इससे होंठ वाइट वाइट नज़र नहीं आते, फिर बुरे लगते हैं। तो ना अम्मी धो रही हैं बाहर कपड़े अपने, तो हमने मैंने भी मशीन लगानी है, अब देखो किस दिन लगानी है, एक दो दिनों में मैं भी मशीन लगाती हूँ, कपड़े काफ़ी हो गए हैं धोने वाले, तो वो कपड़े धोएंगे तो फिर सुकून हो जाता है, कपड़े धो लो ना सुकून हो जाता है, ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, फिर अगले दिन फिर कपड़े बढ़ जाते हैं दोबारा से। जी बाहर चलते हैं, बाहर चल के अपना कुछ काम करते हैं। हांडी रखी है मैंने पकने के लिए, तो इधर मैंने सब्ज़ी काटी, आलू बीच में, आलू इतना सारा ख़राब निकल आया बड़ा सा, छिलके फेंक देते हैं बास्केट में, छाबा मैं धोती हूँ, पहले मसाले डाल लें, मैं मसाले लेने गई थी अंदर। यहाँ पे सवा एक हो गया है, जहर की अजान हो रही है, यहाँ से हमने ले लिए मसाले, चलते हैं बाहर मसाले डालते हैं इसमें का। इसमें मैंने डालनी है लाल मिर्च तरी के लिए, ठीक है जी, साथ में कुटी मिर्च थोड़ी सी डालते हैं, हरी मिर्च एक काटी है मैंने, टमाटर एक डाला है, तकरीबन सूखा धनिया डेढ़ चम्मच गया, और हल्दी थोड़ी सी ज़रा सी बस, और ज़ीरा भी थोड़ा सा ही है, क्योंकि पूरे महीना मसाले चल रहे हैं, तो नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, एक हरी मिर्च डाली है, और पकाने क्या लगी हूँ, ये देखें आलू मैंने काटे हैं गोल वाले, आज ये पकाएंगे, इनके लिए मैंने मसाला भी रख दिया भूनने के लिए। इधर प्याज रखे हैं फ्राई होने के लिए, इधर आसमान आलू रखे हैं उबालने के लिए, पीठी बनानी है रोटियों के लिए। तो आज जितनी भी जो भी रेसिपी होगी जो हम घर में पकाएंगे हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। धनिया मिर्चें भी रेडी कर ली हैं, साथ साथ इधर मसाला भी हो गया, अब बस इसमें ना ये देखें ना मोटा मोटा मसाला है, इसमें ऐसे ही हमने आलू डाल देने हैं, ठीक है मैं आलू लेके आती हूँ। देखिए मैंने धो के रखे हैं, छाबे में डालने पानी निकल जाएगा इनका, एक बार और पानी डाल लेते हैं, अब ये फिर ऐसे ही ना, अब हांडी में डाल दी जाके आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा हिलाते हैं, मसाला रला के पानी डाल के ढकना दे देंगे बस। अभी इसमें मेरे पास ना अजवाइन है और ना कलौंजी है, दोनों होती तो मैं दोनों डालती, वो दोनों डलती हैं इसमें, तो साथ में मेथी दाना भी डलता है, तो इसमें अब मैं पानी डालूँगी, पानी डाल के बस पकने के लिए रख देंगे। इधर थोड़ा सा पानी डालते हैं जिसमें आलू गल जाए और हमारे पास थोड़ी सी ग्रेवी भी बच जाए। चलो ये भी उबल रहे हैं आलू, उबाला आ गया इनको भी, ये ठीक है, अब ढकना दे देते हैं, इसको पकने देते हैं। फिर जी यहाँ मेरा खाना हो गया रेडी, मैं अंदर लेके जा रही थी, तो मैं क्या दिखाऊँ, ये देखिए कलर कितना प्यारा है, और ऊपर मैंने काली मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और बहुत मज़े का सालन बना, मज़े का पकता है ये, कई लोग नहीं खाते लेकिन हम तो खाते हैं, मज़े का होता है। हाँ आसमा बना रही है अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, नाश्ते में बना आलू वाला पराठा, देखें यम्मी सा अली दे,
मैं भी बनावाँगी। मैंने भी ली है इससे पीठी ने थोड़ी सी पतली पतली सी, दो रोटियां बनाऊंगी लीजा के लिए और अपने लिए। अच्छा थोड़ा जी ले लीजा भी कबाब जेड़े तेरी अम्मी ने तेन भेजे से ओदी तू वीडियो नहीं बनाई? अच्छा इसको पेशावर से कबाब आए थे ना, इसने गर्म किए थे तो वह इतने मोटे मोटे थे, दो किए थे इसने गर्म, हाँ दो किए थे इसने, पेशावरी चपली कबाब आए थे इसकी अम्मी लेके आई थी, इसको भी भेजे थे उन्होंने। बिस्किट वगैरह भी आए थे, बिस्किट दी नहीं बनाई वीडियो, हूँ तो खत्म हो गया नया वही थे। इस तरह जो सगात आए ना उदो वीडियो बनाई दी, दसी दहाई दा कि ये चीज़ें वहाँ की हैं, ऐ स्पेशल सगात होंगी है ना उत्थे दी, ते जिवें उत्थे दे माल्टे अखरोट बदाम सारी चीज़ा ऐ चीज़ा उत्थे दी सगात होती हैं। और जो भी लेके आता है ना वो लाजमी शेयर करता है, जैसे इसने मुझे भी दिया था केक थोड़ा सा ना, वो फिर थोड़ा सा मैंने खाया, वो ना उनके हिसाब से होता है ना, वो मोटा होता है तो वो भी मैंने थोड़ा सा ही खाया था, बाकी थोड़ा सा लीजा ही पापा को दिया, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना। तो अच्छा तो लीजा ने सारा ख़त्म किया था, पापी कमीज से ही कर रहे, नहीं मैं तो कई चीज़ों भी बाहर अंदर जानी है ना, अपने कपड़े देख के दुपट्टा अच्छी तरह सही तरह लैके तो फिर जाने, क्योंकि बाहर सो होता है, अपने घर का और मसला होता है। हाँ चल जी इसका नाश्ता हो गया रेडी, इसके शोहर का, इसने अपने हस्बैंड का नाश्ता किया रेडी, ते हुन ओदे मत्थे मार के आएगी जा पंजाबी च। बोल बेटा कोई बात नहीं, मेरा गला खराब है, मैं दिशांदा मैं बना दूंगी तेनू, मैं अभी बना दूंगा, कोई कोई गल नहीं, तुसी ने जदों ही देखो रोटी खांदे रहते, तू कह ना तू ना बोल, चल 1 2 3 एक टाइम मम्मा ने मुझे पराठा बना कर दिया, खुद भी खा रही हूं, के बाद में नाश्ता कह रही हूँ जो शाम का बना कर देना। हाँ मैं बना देती हूँ इसका गला, दरिया भी आ गई, इसको मैं आलू देती हूँ डाल के, और इसको भी मैंने आलू वाला बना के दिया पराठा, और अपने लिए भी आसमान ने बनाई है आलू की पीठी, तो अभी हम सही बना रहे हैं दोपहर का ना। हाँ चलो जी इधर लग गई है मंडी, देखें इधर मैंगो भी आ गए हैं, अभी मैं कल कह ही रही थी, तो ये ले भी आए हैं, और आम्ब हैं ये, ये देखिए जाति बहार के आम खाने हमने, एप्पल और ये केले, एप्पल भी लेके आया, अच्छा चलो सही है। इधर आ गया है लहसुन, इधर लहसुन आ गया, इधर आलू आ गए, और इधर हरी मिर्चियाँ आ गई, इधर टमाटर और अदरक आ गया, इसको मैं ग्राइंड करके रखूँगी, बहुत शुक्रिया ये ले आयो, शुक्र घर की चीज़ें आई। चलो जी इधर माशाल्लाह माशाल्लाह बरकत पड़ गई, अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें भेज दी हैं, और लाने वाला ये बंदा है, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे जो मेरा किचन चला रहा है, आसमां का हो गया, इधर बीपी हाई हाई हो गया कि लो हो गया, रोटियां बना रही हैं ये, शाम की शाम हो गई है, 7:30 हो गए तकरीबन, तो लाइट ही बंद है कैमरे से। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कल मैं गई थी, हम कहीं नर्सरी फार्म गए थे पौधों वगैरह वाली, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो सब ने प्यारे प्यारे कमेंट किए, और अभी हम आप लोगों से गुजारिश है कि अभी थोड़ी माजरत चाहते हैं हम, कि हम अभी कहीं बाहर नहीं घूमने जाते फिरने जाते,
उसकी भी एक वजह रहती है। दरअसल बाहर कोई घूमने फिरने जाए तो उसका भी तो एक प्रोसीजर होता है, बाहर जाने के लिए भी इंसान की जेब भी भरी होनी चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर फिलहाल हालात ऐसे हैं कि घर का हम खर्चा कर लें, किचन चला लें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़ाहिर सी बात है बाहर भी बंदा जाए तो फिर पैसे तो लगते ही हैं ना हर जगह पे। बाहर बच्चों का भी लेके जाएं, फिर बच्चे भी कहते हैं बाहर चलें, बाहर पैसों से ही जाया जाता है। आप सब समझदार हैं, समझते होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस आप लोग सब थोड़ा सा हमारा साथ दें ताकि हमारा चैनल जल्दी और चल पड़े। जिदा बाजर की करो ज़रा, तो इसीलिए आपके से गुजारिश करते हैं कि आप लोग आगे शेयर भी लाजमी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि जल्दी से हमारी डोनर भी कंप्लीट हो। अभी हमारे डोनर नहीं ऊपर ही नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे ऊपर, क्योंकि पता नहीं काफ़ी लोग बीच में थे ना, वो थोड़ी वीडियो देखते हैं, थोड़ी आगे कर कर के भी देखते हैं और फुल वीडियो हमारी नहीं देखते। तो इसकी वजह से हमारी ना बहुत परेशान है, हम क्या करें। हम काफ़ी लोग होते हैं ना जो रो लेते हैं, एक दूसरे को बता रो के अपना दिल हल्का कर जाते हैं। हमें रोना नहीं आता भाई, हमें नहीं रोना आता ना हमें। आपने इतनी वीडियो हमारी देखी होंगी, हमने कभी कोई रोने धोने वाली वीडियो डाली नहीं। ज़रूर किसी के आगे बंदे ने हाथ फैलाना, अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे, बाकी मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह के बाद जो अच्छे लोग हैं दुनिया में वो भी हैं, उनकी वजह से भी दुनिया चल रही है, जो कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो उनसे भी उनकी वजह से भी कुछ हालात चल रहे हैं इंसानों के, दुनिया के। तो आप सब दुआ करिएगा कि हमारी जल्दी से पिन आ जाए, फिर हमारे और डॉलर भी कंप्लीट हो। $100 हो तो यूट्यूब की पेमेंट आती है, $100 की इतनी पेमेंट भी नहीं आती, आप सबको पता ही है। आप गूगल से रिसर्च करके देख सकते हैं कि $100 के कितने पैसे बनते हैं और फिर बीच में से वो टैक्स भी काटते हैं, 3-4 हज़ार रुपया पता नहीं टैक्स भी काटा जाता है, सुनने को आया मुझे। तो आगे आप खुद ही देख लें, फिर हम दोनों वीडियो बनाती हैं मैं और आसमा, फिर अगर हम उनमें से आधे आधे भी करेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे। सिर्फ एक महीने का इतना लगा लें कि एक महीने का कोई 12-12 हज़ार या 15-15 हज़ार इतने तक आएगा, वो भी टैक्स अभी निकाले बगैर। अगर टैक्स डालें तो फिर मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार रुपया आएगा। तो आगे का पता नहीं, आप लोग बस दुआ करें हमारे चैनल जल्दी से चल पड़े। तो और हम भी कहीं फिर घूमने फिरने भी जाया करेंगे बाहर इंशाल्लाह ताला, कहीं ना कहीं। इधर हमने अभी प्लान बनाया हुआ है कि 20 बस इसके पापा की सैलरी आएगी ना, फिर हम जाएंगे बाहर बच्चों को भी लेके। बच्चे भी कह रहे हैं कि काफ़ी देर ही होगी, हम कहीं जाते नहीं हैं। ईद की ईद तो जाहिर सी बात हर कोई जाता है, लेकिन हम ईद पे भी कहीं पार्क वगैरह में बच्चों को कहीं भी नहीं इंटरटेन, कहीं भी नहीं गए हम। तो बच्चों का भी दिल करता है और हमारा भी दिल करता है कि कहीं घर से निकलें, घर की टेंशनों से दूर जाए, लेकिन क्या करें, जेब भरी हो इंसान की तो फिर बंदा आता जाता भी अच्छा लगता है। वो ना फिर बाहर जाए बच्चे कोई चीज़ मांगे तो फिर ना बंदा दे तो फिर एक अलग ही वो होती है। इधर पक रहे हैं आलू के पराठे, हम अपना किचन ही हल्का फुल्का चलाते रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमने कौन सा कोई मुर्ग मसाला हम खाते हैं, इतना हम गोश्त भी नहीं पकाते, कोई इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं पकाते। शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा और हम खा रहे हैं और पकी जा रहा और खाई जा रहे हैं, और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पकी रहना, खा के ही सोते हैं। पर किसी को मांगते नहीं, हाँ इतनी बड़ी बात है कि हम किसी से मांगते नहीं हैं, खा के ही सो रहे हैं, जैसे भी है रात को खा के सोते हैं। यहाँ बन रहे हैं जल्दी जल्दी से पराठे, तो मैं करने लगी थी ब्लॉग का एंड। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप प्लीज़ प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि ना शिक्र हमारी वीडियो फुल देखा करें, आगे एक बार चाहे शेयर करें, हर बंदा एक बार भी शेयर करे ना तो बड़ा कुछ हो जाता है। और लाइक भी की दिया करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों चीज़ें करने से भी, चारों करने से भी ना चैनल को रीच मिलती है, चैनल
ग्रो पकड़ता है, जैसे पौधे को खुराक दी जाए पौधा फल देने की तरफ जाता है, इसी तरह ये चैनल का भी होता है। तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करिएगा।